सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी स्मार्ट हैबिट कम्प स्कूलिंग सिस्टम एंड टुडे इज योर डे ट्वेंटी से थर्ड ऑफ नीड आर ए क्लासेज फॉर ट्वेल्थ क्लास बेटा आज हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर टेन बायो टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक है लास्ट जो हम लोगों का लेक्चर जो हुआ है एक दो लेक्चर्स उसमें हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस की बात की थी ठीक अब इसमें अगर हम इसका नीट का सिलेबस देखें तो क्या है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर की बात करनी है ह्यूमन इंसुलिन वैक्सीन प्रोडक्शन जीन थेरेपी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जी बीटी बी टी क्रॉप्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स बायो सेफ्टी इशूज़ बायो पायरेसी एंड पेटेंट्स की बात करनी है ठीक है बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ इनेबल्ड पीपल टू जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिक मशीनरी इन सच अ वे दैट न्यू स्ट्रेज विथ नोबल कैपेबिलिटीज़ कैन बी क्रिएटेड अब बायोटेक्नोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा लास्ट उसमें कि हम किस तरीके से बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि मैन के लिए यूजफुल हो है ना दिस इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी राइट तो अब अगर बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि हम अब किसी भी माइक्रोब को प्लांट को या एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमें कोई डिज़ायर्ड जीन की ज़रूरत है हमें कोई चीज़ चाहिए है ना तो हम क्या कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से वी कैन जेनेटिकली मॉडिफाइड अ माइक्रो प्लांट एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिक मशीनरी ठीक है हो गया अब अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन जो है थेरापेटिक्स में इसका यूज़ आता है डायग्नोस्टिक में यूज़ आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में यूज़ आता है प्रोसेस्ड फूड बायो रेमिडेशन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन ये पॉइंट्स बेटा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर पी वाई क्यू आया हुआ है आपको ये पॉइंट्स दिया जाएगा और हो सकता है कि इनमें से कोई एक ऐसा पॉइंट दिया जा रहा हो जो कि यूज़ नहीं होते हैं है ना बायोटेक्नोलॉजी का जो कि एप्लीकेशन नहीं है तो इस तरीके से आपसे करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक तो है तो बायोटेक्नोलॉजी कौन थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज एरिया कौन कौन से इट प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव ऑर्गेनिज्म यूजली अ माइक्रोब और प्योर एनजा हम एज अ बेस्ट कैटलिस्ट की तरह से यूज कर सकते हैं किसका इंप्रूव ऑर्गेनिज्मी माइक्रोब और प्योर एनजाइम्स राइट क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अट कैटलिस्ट टू एक्ट हमें वो कंडीशन देनी है वेदर इट इज़ अ पी एच टेम्परेचर है ना हम एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक ऑप्टिमल कंडीशन जो है इसके लिए प्रोवाइड कर सके ठीक और फिर बात आती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की जिसमें हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं प्रोसेसिंग की बात आती है है ना तो टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये तीन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ हैं किसके बायोटेक्नोलॉजी के ठीक तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय ऑप्टिंग एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर आजकल अगर आप लोग जो भी मार्केट में जो आप लोग फ्रूट्स देख रहे हैं वेजिटेबल्स देख रहे हैं टोमेटो का यूज़ कर रहे हैं जो घरों में आजकल टोमेटो आता है मार्केट से फ्लेवर सेवर एक वैरायटी है ना ये सबके सब जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है है ना उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके उनका टेस्ट बढ़ाया जा सके उनका न्यूट्रिय कंटेंट बढ़ाया जा सके तो ये सारे रोल्स किसके अंदर आते हैं बच्चे एग्रीकल्चर में आता है बाय टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है ये ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बाय यूजिंग बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड का यूज करके जो हमारा फूड सप्लाई है उसके बेटर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिली है ना ट्रिपली ट्रिपल फोल्ड हो गया है फूड सप्लाई राइट फर्दर इंक्रीज इन ईल्ड बाई यूजिंग दिस मैथड इज़ नॉट फिजिबल टू ओवरकम दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बींग यूज अब हम कितना भी केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लें ये फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स जो हैं पेस्टिसाइड जो हैं हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं ना तो इट इज़ नॉट फिजिबल टू ईल्ड एनी फर्दर इंक्रीज इन द ईल्ड राइट तो हम क्या कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर बात आ जाती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की जीएमओज की मॉडिफ जेनेटली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आया हुआ है ये लास्ट टू थ्री ईयर्स में दो तीन बार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका मतलब क्या है बाय इम्प्लॉइंग आर डी टी टेक्निक्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ वन और मोर जीन्स फ्रॉम अ अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हम क्या करते हैं कोई भी डिजायर्ड जीन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में से हम आइसोलेट करते हैं और उसको फिर हम जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इनकॉपरेट कर देते हैं क्या क्या हेल्प करता है ये द जीएम प्लांट्स हैव इन रिच क्रॉप ईल्ड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड वाइटामिन एन रिच गोल्डन राइस वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन राइस जो आता है उसमें वाइटामिन ए इंक्रीज कर दिया जाता है डेफोडिल से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से लिया जाता है तो डेफोडिल का यूज किया गया है, है ना रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इंक्रीज एफिशियंसी ऑफ मिनरल्स यूजेज बाय प्लांट्स रिड्यूस्ड रिलायंस और केमिकल पेस्टिसाइड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड हैव मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट ऑफ स्ट्रेस वेरी इंपॉर्टेंट ये कुछ फीचर्स हैं जो कि जीएम प्लांट्स के हैं ठीक है बेटा तो ये पहला आ जाता है जीएमओ का फंक्शन ये याद रखेंगे सारे पॉइंट्स याद रखेंगे राइट फिर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम ऐसे प्लांट बनाए जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट है विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज ताकि वो हमारे लिए जो भी ईल्ड जो हो वो हमारे लिए लेस हार्मफुल हो जितना कम केमिकल का यूज़ करेंगे वो हमारे लिए उतना लेस हार्मफुल होगा तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है इज अ बैक्टीरिया फ्रॉम विच बीटी कॉटन जीन वॉज एक्सट्रैक्टेड एंड क्लोन टू प्रोड्यूस पेस्ट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट फॉर एग्जाम्पल बी टी कॉटन बी टी कॉर्न बी टी राइस बी टी टोमेटो एटसेट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिस इज इंपॉर्टेंट क्या किया जाता है बी टी कॉटन अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है बीटी कॉटन के ऊपर स्टेट ऑफ बैसल थ्रिंजिस प्रोड्यूसिस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट लाइक लैपिडोपटेरस टोबैको वर्ड वाम आवी मॉम कोलियोप्टेर जिसके अंदर बीटल्स आते हैं डिप्टेरेंस जैसे कि फ्लाइज एंड मॉस्किटो ठीक है तो यहां पर दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस राइट इंसेक्ट स्पेसिफिक है ये नाउ द बीज थ्रजनसिस बैसलस थ्रजिस प्रोड्यूस क्रिस्टल्स विच कंटेन टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इनके अंदर क्या होता है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है दिस टॉक्सिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दी बैक्टीरियम एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन किस फॉर्म में होता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है इसी वजह से ये बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं करता है उसको कोई हार्म नहीं करेगा ये टॉक्सिन क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में है बट एज सुन एज इंसेक्ट इनजस्ट द इनएक्टिव सोलिब्लाइजेशन ऑफ द प्रोटीन क्रिस्टल्स ड्यू टू प्रोटॉक्सिन इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू एल्कलिन पी एच वेरी इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट का जो गट है उसका पी एच क्या होता है बच्चे एल्कलाइन होता है, है ना दैट्स वाई इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है बच्चे द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइन्स टू द सर्विस ऑफ मिड गट एपिथीलियल सेल ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किससे बाइंड करता है मिडगट एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है यानी पोर्स दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड इवेंचुअली लीड टू डेथ ऑफ द इंसेक्ट और इस तरीके से जो इंसेक्ट है वो मर जाता है ठीक द जीन फ्रॉम बी थ्रिन जेनेसिस हैज बीन इनकॉपरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट लाइक कॉटन मेज राइस एटसेट्रा द टेड बाई द जीन ने क्राई क्या नाम दिया गया है क्राई का नाम दिया गया है तो देखिए क्राई वन ए सी एंड क्राई वन ए बी क्राई टू ए बी किस को कंट्रोल करता है इट कंट्रोल दॉटन वॉलवॉम वेयर एज क्राई वन ए बी इट कंट्रोल दोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ठीक हो गया फिर इसके अलावा हम और क्या कर सकते इसके अलावा जो है बच्चे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं जैसे कि बहुत सारे निमेटोड्स जो होते हैं पैरासाइड वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स अब निमेटोड है एक मिलेटोगाइन इनकॉगनिश ये क्या करता है इट इन्फेस्ट द रूट तो प्लांट का पार्ट पूछा जा सकता है किसको कर रहा है रूट को कर रहा है कौन से प्लांट को टोबैको के प्लांट को एंड कॉजेज रिडक्शन इन द ईल्ड है ना द इन्फेस्टेशन ऑफ दिज निम कैन प्रिवेंटेड बाई अ नोबल स्ट्रैटेजी कॉल्ड एज आर एन ए इंटरफेरेंस इसका यूज करके जो है हम इस निमेटोड के इन्फेस्टेशन को कम कर सकते हैं ख़त्म कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं है ना तो आर एन ए इंटरफेरेंस इट टेक प्लेस इन ऑल यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अ मैथड ऑफ सेलुलर डिफेंस बाई साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एम आर एन ए क्या कर रहा है साइलेंसिंग कर रहा है किसका एम आर एन ए का ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मॉलिक्यूल बना रहा है है ना मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एम आर एन ए तो हमें पता है कि डी एन ए से आर एन ए बनता है।, है ना और आर एन ए से जो है प्रोटीन बनता है अब जो डबल डी एन ए है ये डबल स्टैंडर्ड है आर एन ए जो है सिंगल स्टैंडर्ड है लेकिन अगर इसको अगर आप डबल स्टैंडर्ड कर दो तो ये क्या होगा ये प्रोटीन जो बनना है वो नहीं बन पाएगा है ना तो इसी को हम आर एन ए इंटरफेरेंस कहते हैं कैसे कराया जाता है द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए मे बी इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन बाई वायरसेज हैविंग आर एन ए जूनोम्स और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजोन का यूज़ कर सकते हैं जम्पिंग जीन्स होता है ये ट्रांसपोजों जम्पिंग जीन्स बारबरा मैकलिंटॉक ने कॉर्न में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था है ना दिस दिसम कैन रेप्लीकेट थ्रू एन आर एन ए इंटरमीडिएट अब क्या होगा इससे निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कौन से वेक्टर का यूज किया हमने एग्रोबैक्टीरियम का और निमेटोड स्पेसिफिक जीन हमने इंट्रोड्यूस करा दिया किसके अंदर होस्ट प्लांट के अंदर वेयर इट प्रोड्यूस बोथ सेंस और एंटी सेंस क्या बना रहा है ये बोथ सेंस एन एंटी सेंस आर एन ए बना रहा है डबल स्टैंडर्ड आर एन ए दैट इनिशिएटेड आर एन ए इंटरफेरेंस एंड दस दिफिक एम आर एन ए और जब एम आर एन ए साइलेंस हो जाएगा निमेटोट का तो क्या होगा द पैरासाइड कुड नॉट सर्वाइव इन दानजेनिक होस्ट

कैसे इन बाय इनेबलिंग द मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरापेटिक ड्रग्स जिससे कि हम थेरापीज कर सकते हैं ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं एट प्रेजेंट अबाउट थर्टी रिकमेडेंड थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंडिया ट्वेल्व आउट ऑफ कितने ट्वेल्व आउट ऑफ दीज इन थर्टी में से ट्वेल्व आउट ऑफ दीज जो है वो थेरेपेटिक्स आर बींग मार्केटेड इनको मार्केट किया जाता है इंडिया right? तो में राइट तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है बेटा वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम इंसुलिन को बना सकते हैं प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में कैसे ट्रांसफर करते हैं ठीक है बेटा तो इन तो हमें पता है कि इंसुलिन का जो काम आता है वो डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो लेते हैं बाय टेकिंग इंसुलिन एट द रेगुलर इंटरवल्स है ना डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का यूज किया जाता है पहले इंसुलिन किससे किया जाता था पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिक से किया जाता था एनिमल सोर्स से है ना तो इससे क्या होता था कि पेशेंट्स के अंदर बहुत सारी एलर्जीज हो जाती थी रिएक्शंस हो जाते थे फॉरेन प्रोटीन्स के तो फिर ये सोचा गया कि क्यों ना इंसुलिन को ह्यूमन से बनाया जाए तो इंसुलिन की अगर हम बात तो जो ह्यूमन इंसुलिन है बच्चे इंसुलिन इट कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन चेन ए एंड चेन बी दैट आर लिंक्ड टूगेदर बाय डाईसल्फाइड ब्रिज किससे जुड़ा हुआ है डाईसल्फाइड ब्रिज से जुड़ा हुआ है ठीक है और इन दोनों के बीच में चेन ए या चेन बी के बीच में इंसुलिन सिंथिसाइज एज अ प्रो हॉर्मोन विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड एज सी पैप टाइट जो कि इनएक्टिव बनाता है इसको तो इनएक्टिव किसकी वजह से होगा पेप्टाइड की वजह से विच इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन तो मैच्योर इंसुलिन में ये एबसेंट होता है देखिए यहां पर हमारे पास एक चेन है ये ए ये हमारे पास है बी जो कि जुड़ा हुआ है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से और यहां पे इसके सेंटर में प्रेजेंट है आप देख रहे हैं दिस स्ट्रेच इज सी ठीक है और यही ये, ये क्या बनाता है इसको प्रो हॉर्मोन बना प्रो इंसुलिन बनाता है इसको तो दिस इज इस प्रो इंसुलिन अब क्या किया जाता है इसको यहां से ए पेप्टाइड को अलग बना लो निकाल लो आइसोलेट कर लो आर की मदद से और बी पेप्टाइड को अलग से आइसोलेट कर लीजिए और उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स लगा दो तो इससे ये क्या हो जाएगा इससे ये एक्टिव हो जाएगा मैच्योर हो जाएगा और इससे हमने क्या किया फ्री सी पैप्टाइट सी पैप्टाइट को हमने अलग कर दिया ठीक है किसने किया था सबसे पहले इन 1983 एटी थ्री एन अमेरिकन कंपनी इली लिली आर्टिफिशियल ह्यूमन इंसुलिन बाय प्रिपेयरिंग टू डी एन ए सिक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू पैप्टाइट चेन ए एंड बी इन्होंने अलग अलग आइसोलेट कर लिया प्रिपेयर कर लिया ए एन बी को एंड इंट्रोड्यूस डेम इन टू द प्लाजमिट ऑफ ई कोलाइट टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन दीज चें वर कम्बाइंड बाई क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमुलिन वेरी इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चे ठीक है इसको याद रखेंगे फिर अगला आ जाता है आपका जीन थेरेपी तो जीन थेरेपी के अंदर हम पढ़ते हैं इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैथड विच अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट कोई भी अगर जेनेटिक डिफेक्ट हो गया जीन डिफेक्ट हो गया तो जीन थेरेपी से हम क्या कर सकते हैं उसको करेक्शन कर सकते हैं जीन डिफेक्ट का डायग्नोज कर सकते हैं इन अ चाइल्ड और ऑफ एन एन इम्ब्रियो इट इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव म्यूटेंट जीन विद अ फंक्शनल जीन हम क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं डिफेक्टिव म्यूटेंट जीन को फंक्शनल जीन के साथ तो सबसे पहले यह क्या है इट वर्क्स अफेक्टिवली अगेंस्ट सिंगल जीन डिसऑर्डर्स डिस इम्यूनोडेफिशियडर सबसे पहले कहां पराइनटीन नाइन में एक गर्ल फोर ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर पता चला सबसे पहले यह फर्स्ट जीन थेरेपी की गई इसको क्या था एडिनोसिन डी एमिनेस था इसको डेफिशिय डेफिशिय था इंपॉर्टेंट है यह लाइन ठीक है सबसे पहले किस में जीन थेरेपी किया गया एडिनोसाइन डी एमिनेस डेफिशियंसी में इसमें क्या था एंजाइम एडोनोसिन डियामिनेज इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम के लिए ये एंजाइम इन सम चिल्ड्रन दिस डेफिशिएंसी कैन क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किससे ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है बोन मैरो से किया जाता है दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बट बोर द टेक्निक डू नॉट कंप्लीटली क्योर द डिजीज लेकिन दोनों ही चीज़ें जो है क्योर नहीं करती हैं तो जीन थेरेपी में क्या किया जाता है सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस टेक्निक इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग स्टेम सेल्स फ्रॉम द बोन मैरो ऑफ द एडिया डेफिशिएंट पेशेंट सबसे पहले हम क्या करें लिम्फोसाइट एक्सट्रैक्ट कर लें बोन मैरो से ऐसे पेशेंट जिसके अंदर एडिया डेफिशिएंट है फिर हम एक रेट्रोवायरल वैक्टर का यूज़ कर लें टू इंजर्ट अ नॉर्मल फंक्शनल ए डी ए कंप्लीमेंट्री डी एन ए इसके अंदर हम नॉर्मल फंक्शनल ए डी ए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल दें इन टू दिज लिम्फोसाइड एंड आर लेटर रिटर्न टू द पेशेंट बोन मैरो वेयर दे मल्टीप्लाई टू हैव फंक्शनल जीन दैट प्रोड्यूजेज एनजाइम और इस तरीके से जो चीज़ डेफिशियंट है उसको हमने फंक्शनल जीन क्या करते हैं हम के अंदर इंजर्ट करा देते हैं ठीक है फिर ये मल्टीप्लाई करेगा है ना और ये प्रोड्यूस करेगा ही वोला एनजाइन हाइवर दीज सेल्स आर नॉट इमोटल द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए है ना ऑफ्सर जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है इफ़ द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एरिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन टू द सेल एट अर्ली इम्ब्रॉनिक स्टेज इट कुड बी अ परमानेंट क्योर तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट क्योर कब किया जा सकता है अगर हम उसको अर्लिक इम्ब्रॉनिक स्टेज में ही अगर हम इसको एडमिनिस्टर कर दें ठीक है दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर बात आ जाती है मोलिकुलर डायग्नोसिस में मोिकुलर डायग्नोसिस का मतलब क्या है फॉर एफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस अगर हमें टाइमली डायग्नोस कर लें तो हमें पता चल सकता है कि कौन सी बीमारी है है ना यूजिंग कन्वेंशनल मैथड जो करते हैं सीरम एंड यूरिन एनालिसिस ये अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है बहुत टाइम लगता है इसमें तो हम क्या टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं आर डी एन ए टेक्नोलॉजी का पी सी आर का एलाइजा का कर सकते हैं पॉलीमिनेस चेन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में है ना जिसमें कि हम डी कराते हैं एम्प्लीफिकेशन कराते हैं डी का आप लोगों ने कोविड में भी पढ़ा है कोविड में सुना है कि आर का टेस्ट किया जाता है है ना तो ये एच किसमें वी एच के अंदर या सस्पेक्टेड पेशेंट्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है ठीक है कैंसर पेशेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है दिस इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फिर उसके बाद क्या है एलाइजा एलाइजा का मतलब क्या एनजाइम लिंकड इम्यूनोडेफिशेंसी इन एन्ज़ाइम लिंक्ड इमिनोजॉर्मेंट एसे ए इज़ बेस्ज ऑन द प्रिसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास के अंदर है ना कि हम पहले क्या करते हैं एंटीबॉडीज़ ले लेते हैं उसके ऊपर एंटीजन का इंट्रैक्शन करवाने के बाद हम एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं ठीक है सो इन्फेक्शन बाई पैथोजेंस कैन भी डिटेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स लाइक प्रोटीन्स ोटीन एटसेट्रा और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथिस दिस एलाइजा इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस एंटीजन एंटीबॉडी इंटरक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बेटा फिर हम बात करते हैं ट्रांजेनिक एनिमल्स की तो ट्रांजेनिक एनिमल्स क्या होता है दीज आर दिनिमल्स विच हैव देयर डी एन ए मैनिपुलेटेड टू पोजेस और एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरन जीन अगर हम किसी एनिमल्स के अंदर उनका डीएनए एन कर दें ताकि वो पॉजस कर सकें या एक्सप्रेस कर सकें किसी एक्स्ट्रा फॉरेन जीन्स को है ना तो इसको हम ट्रांजेनिक एनिमल्स कहते हैं एग्जाम्पल्स आर ट्रांजेनिक रैट्स रैबिट्स, पिक्स शिप्स एक्सेट्रा सबसे ज़्यादा 95 परसेंट सबसे ज़्यादा किस कौन से एनिमल बनाए जाते हैं माइस का यूज़ किया जाता है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कैसे कैसे बेनिफिट्स हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया जाता है स्टडी ऑफ डिजीजेज में इसका यूज़ किया जा सकता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जा सकता है जैसे कि नाइनटीन नाइन्टी फर्स्ट ट्रांजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड मिल्क कंटेनिंग ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टल लेक्टलमिन विच वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क इनविस्ड मिल्क टू ग्राम पर लीटर तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है दिस इज इम्पॉर्टेंट राइट फिर देखिए वैक्सीन एंड केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स का केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी हम इसका यूज कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ फंक्शंस कुछ हमारे पास सेवरल बेनिफिट्स जो है वो पता चला हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसको अच्छे से करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए ठीक है बच्चे फिर एथिकल इश्यूज आता है एथिकल एथिक्स इंक्लूड रूल्स ऑफ कंडक्ट बाय विच अ कम्युनिटी रेगुलेट्स इट बिहेवियर एंड डिसाइड्स वेदर एन एक्टिविटी इज़ लॉफुल और नॉट हम ये देखते हैं कि क्या जो किया जा रहा है क्या ये जो आर का यूज़ किया जा रहा है या कोई भी हम नई वैक्सीन या कुछ भी चीज़ हम आइसोलेट करें क्या वो एथिकली ठीक है या नहीं है, है ना लॉफुल है कि नहीं है ठीक द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स कैन हैव अनप्रिडक्टेबल रिजल्ट विच वन ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द इको सिस्टम तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पे जब हम जिस तरीके से माइस पे या किसी एनिमल्स पे हम ये जो ट्रांजेनिक एनिमल्स बनाया जाता है फिर जब उनको इन्वायरमेंट में इको सिस्टम जब हम उसको छोड़ते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट भी शो हो सकते हैं है ना तो इसके लिए टू कंट्रोल दीज इश्यू द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेटअप ऑर्गेनाइजेशन सच एज जी ई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी टू रेगुलेट रिसर्च टेस्टिंग एंड कमर्शियल रिलीज ऑफ जीवन जीएम क्रॉप फूड एंड ऑर्गेनिज्म तो सबसे पहले इनसे परमिशन ली जाती है ठीक है तो एवरीविएशन इंपॉर्टेंट है फिर बायो पेटेंट की बात कर लें तो बायो पेटेंट क्या होता है इट इज अ टाइप ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड फॉर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट इन्वेंशन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑबटेन फ्रॉम अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम बींग कमर्शियली यूज बाई अदर्स तो ये एक क्या क्या आता है इट ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्वेंशन को एक लाइसेंस दिया जाता है उनको कि जो भी प्रोडक्ट किसी ने बनाया है कोई इसका कमर्शियली अगर यूज़ की करे तो उसको प्रोटेक्शन मिले उसको है ना तो इसके लिए एक लाइसेंस दिया जाता है तो इन 1977 सेवेंटी सेवन फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस का पेटेंट ले लिया बाद में क्या हुआ दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैज़ एक्चुअली बीन डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर वेराइटी हमारे उससे जो है इंडियन बासमती से बनाया गया है विथ सेमी डोर वेराइटीज एंड क्लेम्ड एज द इन्वेंशन ऑफ द नोबेलिटी है ना तो इस तरीके से जो है प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन सच एज टर्मरिक एंड नीम्स तो इसको हम बायो पेटेंट कहते हैं ठीक है फिर बायो पायरेसी क्या है कि कोई दूसरा पर्सन जो है जैसे कि मल्टी नेशनल कंपनीज क्या करें वो बायो रिसोर्सेज का यूज कर ले विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम दी कंट्रीज और पीपल कंसर्न विदाउट एनी पेमेंट उनको बिना कंसर्न किए हुए वहाँ के लोगों को जो नेटिव लोग हैं या उस कंट्री को बताए या वहां के लोगों को बताए बिना उनको पेमेंट दिए बिना अगर कोई बायो रिसोर्स का जो है यूज करता है एक्सप्लाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज बायो पायरेसी तो इसके लिए इंडियन पेटेंट बिल बनाया गया है ठीक है एक अमेंडमेंट की गई है दैट टेक्स सच इश्यूज ऑफ बायो पायरेसी इन टू कंसर्ट्रेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स एमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशियटिव सो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर इसके कुछ एनसीआर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा तो देखिए आपकी एनसीआर टी जो है पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज बेस्ट सूटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट एंड वाई तो देखिए इसका आंसर तो सबसे बेस्ट जो है हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ अ वायरस द मैरी स्टेम एपिकल एंड एक्सलरी इज फ्री ऑफ वायरस ठीक है ये वायरस फ्री होता है वन कैन रिमूव द मैरी स्टेम एंड ग्रो इट इन विट्रो टू ऑप्टेन अ वायरस फ्री प्लांट तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका मैरी स्टेम क्यों क्योंकि ये फ्री ऑफ वायरस होते हैं तो ये आपके क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द मेजर एडवांटेजेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट बाय माइक्रो प्रोपेगेशन तो व्हाट इज माइक्रो प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर का यूज करके बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड दैट इज अ टिश्यू कल्चर इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन दिस मैथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंट ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपेगेशन तो इसका क्या बेनिफिट है बच्चे हम थाउजेंड ऑफ प्लांट जो है एक बार में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में कर सकते हैं तो दिस इज बेनिफिट ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन और जितने भी प्लांट हैं दे ऑल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट इस वजह से इनको क्या कहते हैं सोमा क्लोन्स कहते हैं ठीक है बच्चे फिर देखिए क्वेश्चन दिया जा रहा है क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल बैक्टीरिया देमसल्स बिकॉज क्यों नहीं करता है बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू टॉक्सिन ये गलत ऑप्शन है टॉक्सिन इज इमेच्योर ये भी गलत ऑप्शन है टॉक्सन इज इनएक्टिव यस दिस वन इज राइट आंसर ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है जैसे ही वो इंसेक्ट के गट में पहुंचता है वहां के एल्कलीन मीडियम से वो एक्टिव हो जाता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फिर आपका एक क्वेश्चन है वॉटर क्राई प्रोटीन्स क्राई प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्राई जीन्स से बनाए जाते हैं क्राई जीन्स का यूज किया जाता है है ना बेटा और दीज प्रोटीन आर टॉक्सिन विच आर प्रोड्यूस बाई बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है ये ये बैक्टीरिया क्या होता है दीज बैक्टीरियम कंटेन दी प्रोटीन इन इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो ये हमने पढ़ा अभी राइट फिर एक क्वेश्चन देखिए फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस गोल्डन राइस में क्या करते हैं हम जी एमओ के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं और इसमें हम क्या करते हैं वाइटमिन ए रिच गोल्डन राइस बना देते हैं है ना तो वाइटामिन ए रिच होता है ये ठीक है तो ये बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पी देख लेते हैं बच्चे देखिए नीट ट्वेंटी में क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांसपोजन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं बच्चे जंपिंग जीन्स होते हैं दीज आर जंपिंग जीन्स किस में यूज किया जाता है आर एन इंटरफेरेंस में इसका यूज किया जाता है जीन्स साइलेंसिंग में इसका यूज़ किया जाता है ऑप्शन वन इज द राइट आंसर फिर देखिए नीट ट्वेंटी का क्वेश्चन है इन जीन थेरेपी ऑफ एनोसाइन डी एमिनेज द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइड बिकॉज क्यों जरूरत पड़ता है इसको फर्स्ट ऑप्शन है जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो प्रोड्यूसिंग एडीएस इंट्रोड्यूस इनटू टू द सेलेट इम्ब्रॉनिक स्टेज दिस इज रॉन्ग लिम्फोसाइड फ्रॉम पेशेंट ब्लड आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी ये भी गलत है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइड आर नॉट इमोटल सेल्स तो ये दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर ठीक है विच्छा? फिर देखिए और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है नीट 22 में देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है ट्वेंटी टू में तीन क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से है ना क्या बोल रहा है स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन कौन सा करेक्ट है बताना है तो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं देखिए प्रो हॉर्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड तो ये हमें बताना है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए बताना है तो ये ऑप्शन गलत है ये नेचुरल में होता है ए पैप्टाइड एंड पी पैप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन को लाई एक्सट्रेक्टेड एंड कम्बाइंड बाई क्रिएटिंग डाई सल्फाइड बॉन्ड बिटवीन दैम तो येस दिस ऑप्शन इज राइट इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज बाड फॉर कैटल एंड पेक ये भी गलत है प्रो हॉर्मोन इंसुलिन नीड्स टू प्रो प्रोसेस फॉर कन्वर्टेड टू नेचुर एंड फंक्शनल हार्मोन ये भी गलत है सम पेशेंट डेवलप एलर्जी रिएक्शन टू दी फॉरेन इंसुलिन ये भी गलत है हमें बात करनी है जेनेटिकली मॉडल इंजीनियर्ड इंसुलिन की तो इसमें सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है तो यहाँ पे ऑप्शन वन जो है आपका आंसर सही आ जाएगा ठीक फिर देखिए क्वेश्चन आया हुआ नी ट्वेंटी में बी टी कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप्ड बाई इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बेसलजेनेस रेजिस्टेंट टू तो ये फंगल डिजीज से है नहीं प्लांट निमेटोड के लिए भी नहीं है उसके लिए आर इंटरफेरेंस होता है इंसेक्ट प्रेडिटर्स के लिए भी नहीं है इट इज वज डेवलप्ड एंड इट इज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट तो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ठीक है बच्चा फिर अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं ये नीट ट्वेंटी ट्वेंटी में क्वेश्चन आया हुआ है क्या बोल रहा है बीटी कॉटन क्या है बीटी कॉटन जो है बेसिलेस थोरिन जीएनएस से बनाया जाता है है ना फिर उसके बाद एडेनोसाइन डी एमिनेस डेफिशेंसी जो है ये जीन थेरेपी से रिलेटेड है आर इंटरफेरेंस जो है वो सेलुलर डिफेंस से रिलेटेड है और पी जो है डिटेक्शन ऑफ एच आई इन्फेक्शन से रिलेटेड है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा बेटा ऑप्शन फोर इज़ दी राइट आंसर ठीक है तो आई होप बच्चे ये कुछ पी थे आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा किस तरह का डाउट आएगा तो डाउट सेशन में पूछेंगे ठीक है बच्चे सो गॉड ब्लेस एवरी टेक केयर थैंक यू